आप ग्रेड हाई स्कूल को आज प्लस टू 2014 में आप ग्रेड हाई स्कूल हुआ, 2022 में आप ग्रेड प्लस टू हाई स्कूल बना। अब जो हम लोग आशा करते हैं कि हमारे इस विद्यालय जो आने वाले दिन में जो क्या है ग्रेजुएट जो कॉलेज बने हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम लोग संग्राम स्कूल आए हैं, तो जाते हैं सीधे स्कूल में और दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को पहले से पता तो नहीं था, नहीं तो हम लोग थोड़ा और जल्दी आते हैं क्योंकि अभी विधायक भी आ चुके हैं। तो सीधे जाएंगे स्कूल में और अपने वीडियो में बने रहे आखिर तक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही आसपास में लोकल ब्लॉग लाता रहूँगा। तो चलिए अभी चलते हैं स्कूल की ओर। स्कूल का जो कि कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, ये रहा संग्राम स्कूल। स्कॉर्पियो से आए हुए हम लोग विधायक संदीप सदर जी, तो सीधा हम लोग इंटर करते हैं गेट में, तो गाइस देख सकते हैं खुशी की बात है। और मैं आगे जो है कि कार्यक्रम मजे ले रहे आपका लाइफ में जो काम में आएगा ये प्लस टू है। प्लस टू का वर्क पर ही आपका आगे की पढ़ाई हो सकती है। अनुरोध होगा स्टूडेंट से कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपना परिवार के साथ इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कीजिए। और आज का हमारा नामांकित स्टूडेंट का ऐतिहासिक दिन है इस स्कूल में कि आज क्लास टू हुआ और पहला नामांकन आप सब स्टूडेंट का हो रहा है। माननीय विधायक जी, हेड मास्टर साहब, तो मैडम जो भी करें, आज पहला नामांकन हुआ, ये आप लोग का जिंदगी में ऐतिहासिक कहीं है। समारोह के शुभ अवसर पर अपना आशीर्वचन देंगे। ऐसा नहीं करें कि काम का दिन है तो बच्चे काम करेंगे, काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, करेंगे ही, लेकिन उनका बचपन ना छीने और खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई के लिए विद्यालय में जरूर भेजें। बच्चों की उपस्थिति बहुत से अभी कम हो रही है, तो ये आग्रह होगा सभी जो सुन रहे हैं जो नहीं सुन रहे हैं वहाँ तक भी हमारी बातों को थोड़ा पहुँचाएंगे कि बच्चे विद्यालय आएंगे और शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा ही रहता है। आप अपने अनुभव कर सकते हैं। पूरा कोटका प्रखंड में 34 पंचायत रहते हुए हमारे पंचायत के जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है और उनको प्लस टू अनुशंसा करके हमारे विद्यालय को प्लस टू बनाया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे देवीराम और हमारे मुखिया महोदय जो अपने वक्तव्य रखे कि जैसे हमारे 2014 में आप ग्रेड हाई स्कूल हुआ, 2022 में आप ग्रेड प्लस टू हाई स्कूल बना। अब जो हम लोग आशा करते हैं कि हमारे इस विद्यालय जो आने वाले दिन में जो क्या है ग्रेजुएट जो कॉलेज बने, ताकि हमारे आसपास के विद्यालय के विद्यार्थी जो है यहीं पर जो ग्रेजुएट यानी स्नातक जो पढ़ाई यहां पर पूर्ण करें। अभी वक्तव्य रखने के लिए हमारे जो कुड़का विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय श्रीमान संदीप सरदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस संग्राम स्कूल के इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता शिक्षक खगेन सरदार जी को, आज इस संग्राम के इस गांव में पवन अवसर पर आप ग्रेड हाई स्कूल को आज प्लस टू का दर्जा मिलने के साथ ही साथ आज इस वित्तीय वर्ष में नया नामांकन का शुरुआत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच हमारे कोटका प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मैडम जी, साथ में उपस्थित हमारे इस पंचायत के मुखिया कि आपका क्षेत्र में वैसा अगर स्कूल है तो उसको अपग्रेड करना है और प्लस टू का दर्जा देना है। तो हम भी कहें कि ऐसे स्कूल कौन सा है कि बेहतर व्यवस्था है वहां पे, कि उसको करने से और वहां महान फायदा शिक्षा का हो पाए। तो विभाग की ओर से हमें कोटका के संग्राम और हमें जादूगोड़ा इस दोनों का बेहतर व्यवस्था होने का सूचना दिया, तो उसी के आधार पर मैं भी अनुशंसा करने का काम किया। आज इसका फलस्वरूप आज
आपका इस गांव प्लस टू विद्यालय का दर्जा मिला। साथ ही साथ मैं इससे पहले और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस गांव के और इस स्कूल के कि पूर्व में से कि इतना सुंदर वातावरण पैदा करके रखे हैं, वातावरण बनाए, शिक्षा का माहौल बनाए। साथ ही साथ आज इस विद्यालय के सभी शिक्षक जो माहौल को बरकरार रखने का, आपका भरोसा को बरकरार रखने के काम किए, आज उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये रहा जो अभी प्लस टू बना है, इसमें जो कि पढ़ाए जाएंगे स्टूडेंट लोगों को, और अभी उसके अंदर में जाते हैं हम लोग। ये रहा प्लस टू, इसमें जो कि कॉलेज इसी को बनाए गए हैं, इसमें पढ़ाए जाएंगे 12th तक। तो देख सकते हैं इस प्रकार से रूम है, सीधा जाते हैं हम लोग ऊपर। सब वीडियो देखेगा, सबको एक हम लाएंगे, चिल्ला मत, ठीक है? कौन कौन मेरा वीडियो देखते हो, हाथ उठाओ। अरे यार सबको देखते हो, तुम लोगों को वीडियो में हो, आज तुम लोगों को वीडियो हम बनाए हैं, कल तुम लोगों को दिखाएगा, ठीक है? चैनल का नाम बताओ। क्या अभी चलो नीचे चलते हैं। यहाँ शौचालय है, ये बालक बालिका। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सर गाली देगा, चिल्लाओ मत। दिन को एक यादगार बनाने के लिए और संगीतमय बनाने के लिए हमारे बाल कलाकार अभी हमारे मंच में उपस्थित हुए हैं। और आज का खुशी खबर कि आज के प्लस टू उच्च विद्यालय के हमारे वर्तमान विधायक संजीव सरदार जी इतना सारे हमारे उत्साह को आगे बढ़ाया कि हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये प्लस टू से महाविद्यालय भी बनने में सफल हो जाएंगे। इधर उधर अफरा तफरी ना रहे, व्यवस्थित होकर रहेंगे। हम लोग शांति से बनाए रखें, शांति से बैठे रहें। अभी हमारा जो इंटरमीडिएट के जो वर्ग कक्ष प्लस टू कॉलेज यहाँ बनाया है, पीछे में देख सकते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ सबको ही जा रहे हैं अंदर। अंदर के अंदर अपनों को वीडियो में दिखाते हैं। अभी जो कि संग्राम स्कूल को भी प्लस टू कर दिया गया है, और अभी इंटर तक का पढ़ाई इसी स्कूल में ही होगा। तो विधायक अभी यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें शनिवार विधायक का समय बैठेंगे, नहीं हो रहा खतियान नहीं कर रहे। अच्छा खतियान नहीं कर रहा ऑनलाइन। स्कूल में खिचड़ी दिए जा रहे हैं बच्चे लोगों को, खिचड़ी खा रहे थे सब, दोनों साइड में जो कि बैठे हुए हैं, यहाँ पे दे रहे खिचड़ी और हो रहा रसोई। ये हमारे विद्यालय को गर्व गौरव वर्णित किए हैं, और इन्होंने अपना बहुत मेहनत से
अच्छे नंबर से अपने लगन और परिश्रम से जो क्या है अच्छा नंबर से अंक लेकर जो क्या पास हुए हैं और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, इसलिए सामूहिक रूप से इन सभी विद्यार्थियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैट्रिक पास किया है राज मदीना 87.80 जो फाइव डिवीजन से पास किया है, और सीता पवित्री हंसा 83.20 फाइव डिवीजन से पास किए हैं, और ये हमारे विद्यालय में फोर्थ पोजीशन अपना ग्रहण किए हैं। राखी रानी साहू जो कि 70, उसके बाद मुकेश कैबर। तो ये सब स्टूडेंट देख रहे हैं, ये सब इस साल जो मैट्रिक पास आउट है उसमें टॉप 10 में इन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। कुछ बोलिए। हम क्या बोलेगा, रो तो बोलता है, मालिक तो बोलता है, हम क्या बोलेगा, मालिक तो बोलता है, हम क्या बोलेगा। हम कल देखना है, देखना है तो खिचड़ी उचड़ी वहाँ पर खा लीजिए, खिचड़ी खिचड़ी खाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, स्कूल का कार्यक्रम अभी भी चल ही रहा, खत्म नहीं हुआ, तो हम लोग का घर निकलना होगा क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है और कुछ काम भी है मेरे को, इसलिए हम घर जा रहे हैं, तो अभी नहीं जाते। और स्कूल में बहुत मजा आ रहा था, बहुत दोस्त लोग थे, मतलब छोटे छोटे स्टूडेंट लोग। तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे मैं आसपास से लोकल ब्लॉग में लाता रहूँगा। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं ब्रो, फिर से एक नया ब्लॉग कल आएगा। कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट मिलेगा तो जिस कंटेंट मिलेगा उसी में ब्लॉग बनाते रहूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते ब्रो।